हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सर्किट ट्रेडर्स। यस, सर्किट ट्रेडर्स में आप लोगों का स्वागत है। मंडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही यूनिक पॉइंट बताऊंगा। यस, बहुत ही यूनिक पॉइंट बताऊंगा आपको मंडे ट्रेडिंग सेटअप। राइट, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। आई होप कि आपको मंडे के दिन नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट पे अगर आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है, पूरा दिन में दिमाग को शांत रख के ये क्या दो ट्रेड करना है, दैट्स ऑल। तो चलते हैं निफ्टी के लिए किस तरीके से आप कहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग कर पाओगे। साथ में सुन लीजिए कि हमारे इस वीक लर्निंग पर्पस वीडियो भेजे थे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का फॉर्मूला, वीडियो भेजे थे पैनी स्टॉक चूज कैसे करेंगे, और अगले यानी कि कल के सेशन पे जो आने वाले हैं वो आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे। तो इन तमाम वीडियो को अगर सबसे पहले पाना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। बट मैं कभी आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, इसलिए कि आप एक दो वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। है समझ में सर? चलो तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए गाइस, जैसे कि आपने डिस्क्लेमर में देखे हैं कि हमारे नाम पे बहुत सारे 4G चैनल चल रहा है, उनसे बचिएगा। चलिए, तो आप ना आप क्या देख पा रहे हो, निफ्टी कंटिन्यू बुलिश हो रहा है। राइट, निफ्टी कंटिन्यू एक बुलिश सेंटिमेंट्स में है। बट मैं थंबनेल पे क्या दिया हूँ कि मंडे के दिन थोड़ा सा थकावट मार्केट पे आ सकता है, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो हमें सावधान रहना है कॉल साइड के लिए, डेफिनेटली। ओके, थोड़ा सा सावधान रहना है कॉल साइड के लिए। बट मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा तो कौन सी पॉइंट पे करूंगा, ये भी बहुत क्लियरली दिखा रहा हूँ। देखो, आप लोग क्या बता सकते हैं जब मैं क्या देख के बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा थकावट मिल सकता है? देखिए, मैं पॉइंट बताऊंगा, यूनिक पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको लगता है ना सही बात है, ये यूनिक पॉइंट है, तो जाके लाइक बिना दबा के मत जाइएगा। ओके, चलो सबसे पहले देखो, ग्लोबल मार्केट का संकेत तो बाद में आता है। तो क्या आ रहा है ग्लोबल मार्केट का सिग्नल, कि US मार्केट से हमारे को एक रेड जोन दिख रहा है, यूरोपियन मार्केट से हल्का ग्रीन जोन पे है, उसके अकॉर्डिंग एशियन मार्केट जो है हमारा गिप निफ्टी जो है वो 89 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग हुआ है। ओके, अब देखते हैं मंडे मॉर्निंग पे कहाँ पे ओपनिंग होता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी मार्केट का ओपनिंग तो समझ में आ रहा है कि मार्केट 40-50 पॉइंट माइनस ओपन हो सकता है, ठीक है। ओके, देखो क्या होता है कि 20,166 पे गिप निफ्टी है, इससे हमें क्या समझ में आता है, क्या निफ्टी 20,166? नहीं, निफ्टी फ्यूचर 20,166। चलो अब मैं निफ्टी के चार्ट में चल रहा हूं, अब निफ्टी के चार्ट में स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलूंगा, ठीक है सर, स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो गिफ्ट निफ्टी से हमारा सिग्नल मिल गया। अब देखो बैंक निफ्टी, आपको कुछ लग रहा है क्या कि बैंक निफ्टी यहां से गिर सकता है? देखो, मेरे कहने से पहले अगर वो पॉइंट आप फाइंड आउट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है कि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ सिखाऊं, बट इसके अंदर का जो जड़ होता है, जो पिन पॉइंट होता है, ये सारी चीज सीखने के लिए आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। कोई वॉइस नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, बैंक निफ्टी एक फर्स्ट क्लास डबल टॉप बनाया है। देखो डबल टॉप कब ब्रेक होता है, या तो हमें एक झटका में इसे ब्रेकआउट करके स्टे करना है, समझ में आ रहा है, एक झटका में ब्रेकआउट करके स्टे करना है। अदरवाइज अगर इस तरीके से एक रन अप के साथ डबल टॉप में आता है तो कुछ दिन आपको यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो मिल सकता है। अगर देखो सर, अगर तो मैं बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में कैसे नोट छापोगे आप, ह्यूज नोट छापोगे आप, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आप याद करोगे सर्कल ट्रेडर्स को। राइट, तो देखो कि ये जो बैंक निफ्टी का सेटअप है, बैंक निफ्टी का किस तरीके से ट्रेड करोगे, इसका वीडियो टुमारो मॉर्निंग 8 AM आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी का पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का पार्ट ये है, अब मैं ये सारे टेक्निकल टूल्स हटा देता हूँ, ये सारे टेक्निकल टूल, एक सिंपल टेक्निकल टूल्स जो हम अपना क्लासेस में कवर करते हैं। चलिए, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं बहुत क्लियर लेवल आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो जो पॉजिटिव ट्रेंड लाइन पे मार्केट चल रहा था, ठीक है, ये जो पॉजिटिव ट्रेंड लाइन में मार्केट चल रहा था, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को ब्रेक करके क्लोजिंग हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देखिए आज का इस एनालिसिस में ना हमारा डेटा प्रिडिक्शन एनालिसिस प्लस
टेक्निकल एनालिसिस दोनों एक साथ एक ही लेवल मुझे दिखा रहा है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि हम जो पॉइंट देंगे उस पॉइंट पर अगर आप ट्रेड कर पाओगे बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या पॉइंट दे रहा हूं। सबसे पहले क्लोजिंग हुआ है 20,169, राइट। अब देखते हैं मंडे का दिन का पी लेवल क्या है। क्या आपको पता है पी लेवल क्या होता है? नहीं पता है तो आई बटन पे जो वीडियो जा रहा है उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, आई बटन का वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए ये जो 20,180 हमारा पी लेवल है, मार्केट क्लोजिंग दिया है 20,170 नियर अबाउट, है ना। तो यानी कि पी लेवल से नीचे क्लोजिंग दिया है, मंडे का पी लेवल से नीचे क्लोजिंग दिया है, ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। तो फर्स्टली हमारे को मंडे को अगर यहाँ पे ओपन होके सीधा ऊपर आ जाता है, इस लेवल से ऊपर आ जाता है, तभी मैं कॉल साइड जाऊंगा। सीधी पॉइंट मिला आपको एक। अदरवाइज मान लीजिए गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ और पॉजिटिव जाके यहाँ पे रिजेक्शन बढ़ रहा है, रिजेक्शन पाके अगर सीधा नीचे आता है तो आपको यहाँ पे पी पोजिशन होगा। अरे समझ में, अगर सीधा नीचे नहीं आता है, कुछ देर यहाँ पे रुकता है, तो समझ लीजिएगा कि इसे पॉजिटिव जाने का कोशिश कर रहा है मार्केट। आया पॉइंट? मैं बहुत ही स्लो रिदम पे समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए, राइट। तो कहां कहां पे क्या ट्रेड कर रहा हूं मैं। अब अगर मंडे के दिन में गैप डाउन ओपन होकर फिर डाउन आता है तो क्या करोगे आप? तो आपको ये समझना है कि सपोर्ट लेवल कहां पे है। 20,140 क्या लेवल है सर? 20,140 ये है मंडे के दिन का सपोर्ट पॉइंट। समझ लीजिए कि यहां से ये ओपन हुआ 20,140 पे आ गया। अब यहां पे ये रुकेगा मार्केट, ठीक है। रुकने के बाद फिर से जब इसे डाउन ब्रेक करेगा तो फिर आपको यहां पे पुट बनेगा। कहां पे बन रहा है फिर? जब 40 लेवल को इस कैंडल पे आपको राइट कॉल कहां पे बनेगा? जब तक ना इन लेवल से ऊपर जा रहा है तब तक सी नहीं बन रहा है आपका, डन। सेकंड अगर पॉजिटिव आता है मंडे सुबह सुबह तो क्या करोगे? तो मैं यहां पे ये भी चीज समझा दिया हूं। आया समझ में? अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन होगा तो और कहां तक मार्केट आ सकता है? तो आ सकता है 20,088, ठीक है। अरे सर समझ में, ये जो लेवल है ये है नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट। ये देखिए हमारा जो स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट क्या है होमवर्क भेज रहे हैं, तो अभी होमवर्क देखने का टाइम नहीं है। चलो तो आपको 3-4 पॉइंट में बता दिया हूं कि मंडे के सेशन का मार्केट में कहां पे क्या ट्रेड करूंगा, दैट्स ऑल। ओके, अब देखो मंडे मार्केट ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो निफ्टी को ऑप्शन चेन पे मैं आ चुका हूं और यहां पे जो चीज देख पा रहा हूं मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया हूं, ठीक है। क्या देख पा रहा हूं? जो ओपन इंटरेस्ट जो है एट दैट मनी के सामने ओपन इंटरेस्ट है 20,020 के ऊपर, सॉरी 20,200 के ऊपर 1,31,000, पुट साइड में 91,000, यानी कि इससे नीचे मार्केट ओपन होने का चांसेस आपको फ्राइडे आफ्टरनून पे ही लग रहा था, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे फर्स्टली सपोर्ट ले सकता है 20,100। क्या होता है ये? क्या होता है ये? एक एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। हर 00 जो पॉइंट है ये एक एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ से फिर जब डाउन होगा तो 20,000 का लेवल, ठीक है। अभी के लिए मेजर सपोर्ट आपको 20,000 रहेगा। क्यों? ये तो आप सब रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो जब मार्केट डाउन आता है तो वो सपोर्ट फेस करता है। तो सबसे मेजर सपोर्ट 20,000 का। क्या चाहिए? मैं आपको इंटरडे ट्रेडिंग के लिए कौन कौन जगह आपको सपोर्ट बन सकता है, कहां से बाउंस बैक हो सकता है, कहां पे परेशान करेगा, सारे लेवल बता दे। अब बताइए कुछ चलो कमी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसे भी क्लियर कराऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।